गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और अनिमेश आए हैं परसों रात में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं आउटलेट मॉल शॉपिंग के लिए। तो मैंने आपको बताया था ना, हमें जाना है इंडिया और शॉपिंग बची हुई है, और मतलब हमारे लिए नहीं कुछ और, वही जा रहे हैं वहाँ। आ गए हम दुबई आउटलेट मॉल। वॉलमन पेरिस का फ्लाइंग इस दुबई से लेके गया तो पता ना क्या हुआ, इसलिए यहाँ पे वॉलमन पेरिस का तो लेना ही नहीं चाहिए। ब्लू वाला आपके लिए ठीक है। ब्लू एनिमेश जा रहा है मेरे लिए गाउन देखने। नहीं चाहिए। हाँ, नाम मिया को हम लोग इसमें छोड़ रहे हैं, तब तक हम लोग शॉपिंग करेंगे। ये प्ले जोन में अभी ये लोग खेलेंगे। 50 dirham पर किड है 2 घंटे के लिए, बट ट्विंस के लिए ना 30-30 है 2 घंटे के लिए, डिस्काउंट है। इनका नाम यहाँ पे नवनिया लिखा हुआ था पहले से, हमने आया ना नया लिखाया ना अभी, तो वो बोल रहे चेक करके सिस्टम में मोबाइल नंबर से। तो आप सिस्टम स्केचर्स में जा रहे हैं अनिमेश अपने लिए देखने, अगर कुछ पसंद आया तो लेंगे नहीं तो छोड़ देंगे। स्केचर्स के शूज़ तो पता ही है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, अनिमेश को मैंने ये दिया था पहले जो वो गिफ्ट, तो उनको बहुत आराम था उससे, तो अभी भी ठीक है, बट एक और उनको लेना है। एक बार आल्दो का चक्कर लगाना तो बनता है, तो मैं आई हूँ देखने। ये काफ़ी ट्रेंड में है आजकल रिंग वॉच, फसल का ही आता है। तो हो गई शॉपिंग, तो परफ्यूम वगैरह हमने खरीदा है, हो गया शॉपिंग हमारी। इसमें सामान है, इसमें सामान है, इसमें एक्चुअली हमने किस गिफ्ट लिया है किसी के लिए, तो वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, आई होप आप समझ सकते हो, लेकिन देने से पहले मैं आपको दिखा दूंगी। एक्चुअली इसको पैक करा लिया है, लेकिन मैंने इसकी वीडियो ले ली है, तो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी जब हम लोग इंडिया जाएंगे तब कि क्या है इसमें। नवनिया 2 घंटे से वहाँ थे, इनको भूख लग गई थी तो फ्रेंच फ्राइज लेके आए इनके लिए, और हम भी लंच बाहर ही करेंगे। वही जो हम इंडिया जा रहे हैं ट्रिप पे, तो कुछ कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हो गया, थोड़ा और देखेंगे फिर चले जाएंगे। कल हम लोग वहाँ पे फूड कोर्ट पे चाट खाया था ना, वही खा के हम लोग फिर रह गए थे, तो भूख लगी है, अभी सुबह से भी कुछ नहीं खाया है। तो अनिमेश का ये चाइनीज़ प्लेटर, मेरा ही है 32 dirhams की प्लेटर आती है। हेलो गाइस, आज है मंडे और दोपहर का टाइम है, और दोपहर के बज रहे हैं 12:30, हम लोग निकल के जा रहे हैं फिर से आउटलेट मॉल, और बच्चों की छुट्टी स्टार्ट हो गई है, तो स्कूल तो है नहीं, तो कभी भी जा सकते हैं, ऐसे कभी नहीं जा सकते, मतलब ऐसा नहीं है कभी भी जा सकते, इनका काम भी रहता है, और जब से आए तब से प्रेशर भी है। बट कल एक्चुअली हम लोग कुछ चीजें लेके आए हैं, वो हमें एक्चुअली वापस करना है, देखते होगा कि नहीं, क्योंकि हम श्योर है कि नहीं होगा किसी वजह से, बट देखते हैं क्या होता है, तो इसीलिए जा रहे हैं। आज मंडे है फिर भी पार्किंग नहीं मिल रही, इतने लोग आए हुए हैं, इतनी गाड़ियां लगी है, देखिए छुट्टी वाले दिन तो समझ में आता है, बट आज भी। कल ना निया शॉर्ट ड्रेस में आई थी, नब भी शॉर्ट्स वगैरह पहन के आया था, तो ठंडी लग रही थी मॉल में, तो आज पूरे कपड़े पहना के लाई हूँ मैं। तो ले लिया हमें जो लेना था वापस करके, वापस हमने किया, और ये 2 चीज़ें ली है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। और नवनिया, हम लोग लंच करके आए थे, नवनिया नहीं लंच करके आए थे, तो वो पूरी भाजी खा रहे हैं, उनको पूरी भाजी ऐसे भी बहुत पसंद है, और ये लोग यहाँ पे खा रहे थे तब तक मैं ये ले रही थी। एक्चुअली वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया था, वो कर नहीं रहे थे, फिर बाद में हो गया बात करके। देखिए वो ना, ये लोग ना सिर्फ टॉय के चक्कर में मैकडोनल्ड्स कर लेते हैं, कल भी इनको क्या लगा कि हम लोग आउटलेट मॉल आए हैं ना, तो कल कुछ अलग टॉय निकलेगा, क्योंकि परसों बुर्जमान में जो निकला था वो नहीं निकलेगा, ये सोच रहे थे, तो इसीलिए कर लिया। अदरवाइज आज तो हमने, हमें पता है कि वही सेम टॉय निकलता, तो हमने इनके लिए पूरी भाजी लिया, उनको पसंद है। अब क्या बोल रहा है कि डैडी अब मैं मैकडोनल्ड्स का भी नहीं लूँगा, यही लूँगा और हमेशा यही खाऊँगा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्यों टॉय के चक्कर में। हाँ पूरी भाजी ये ओके, इसको इतना पसंद आ रहा है। और अनिमेश ला रहे हैं कॉफ़ी मेरे लिए और अपने लिए। अनिमेश अपने लिए शूज़ देख रहे हैं, हमारी शॉपिंग हो गई, ये इसमें उधर अनिमेश के हाथ में भी है। तो गाइज़ हम लोग घर आ गए हैं और ये सारी शॉपिंग हुई है, मतलब कल जो हमने शॉपिंग की थी तो
उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम हुई आपको बताती हूँ। तो वो वापस करके हमने वो लिया है, वो एक्चुअली हमने बाद के लिए लिया बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, वो वापस भी नहीं कर रहे थे तो प्रॉब्लम हो गई थी और अमाउंट बड़ा था और हम कुछ और ले ही नहीं सकते थे क्योंकि हमें पसंद नहीं आ रहा था जो हम लेने गए थे। तो उस शॉप से ऐसा कुछ हम ले ही नहीं सकते थे तो हमें फिर से एक्सपेंसिव चीज़ ही लेनी पड़ी, बट वो हमने अभी के लिए नहीं लिया, वो हमने बाद में लिया किसी और रीज़न से, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी आने वाले टाइम में। तो वो दो पैकेट में है और ऑल्दो से मैंने शॉपिंग की है तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी मैं इसको कैमरे पर नहीं दिखा सकती हूँ तो ये बाद में दिखाऊंगी, ये मैं आपको दिखा सकती हूँ अभी। बिल्कुल ये नेल पेंट इसलिए लिया इस कलर की क्योंकि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था, जो हमने कल सामान लिया था वो उसके लिए हमने ज़्यादा पैसे पे किए थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम थी तो वो हमें आज वापस करना पड़ा। तो वापस करके ना वो बोल रहे थे कि आपको सेम चीज़ मतलब आपको सेम उसी सेक्शन से लेना पड़ेगा, बट हमें उस सेक्शन से कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। हमने फिर दूसरे सेक्शन से जो सामान लिया तो वो भी उतना का ही हो गया, बस 10 दिरहम बच रहा था। एक्चुअली हमने दो सामान लिया तो कल भी हमने दो लिया था तो उसके लिए हमने उतना पे किया था, और आज हमने उस सेक्शन से नहीं दूसरे सेक्शन से, उसी स्टोर के दूसरे सेक्शन से दो सामान लिया किसी को देने के लिए, तो वो भी उतना का ही आ गया, बस 10 दिरहम उसमें से बचे थे। 10 दिरहम का मैंने अपने लिए नेल पेंट लिया और जो भी कलर थे वहाँ पे सब मेरे पास थे। और अनिमेश गुस्सा भी हो रहे थे क्योंकि बच्चे परेशान हो रहे थे, काफ़ी देर हमें लग गया ना वहाँ पे, वो बोल रहे थे नहीं हो सकता इसी सेक्शन से, यही मैनेजर से बात करो ये करो, उस चक्कर में काफ़ी लेट हो गया था तो बच्चे भी परेशान हो रहे थे। कल तो हमने उनको छोड़ दिया था प्ले एरिया में, तो फिर अनिमेश भी बोल रहे थे कि नहीं अभी जल्दी से बस जो देखो 10 दिरहम का कुछ उठाओ और इसको बिल का सेटलमेंट करो और चलो। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने ये 9.99 की नेल पेंट देखी इस कलर की तो मेरे पास ये था भी नहीं तो मैंने यही ले लिया, बाकी यही वो लिया हमने और ये लिया फिर हम लोग आ गए। अच्छा ट्यूसडे और हम लोग घर से निकल ही रहे थे और ये किचन का काम करने आ गए, तो बस मैं अभी नहीं जाऊंगी, एक्चुअली मुझे डॉक्टर के पास जाना था नवनिया को लेके रूटीन चेकअप के लिए। मैं भी रेडी हूँ, नवनिया अनिमेश तैयार था, मुझे निकलने ही वाले थे, अभी उनका अपॉइंटमेंट था वही रूटीन चेकअप के लिए, सर्दी खांसी है दोनों को, प्लस अभी हमें ट्रैवल भी करना है तो हमने सोचा दोनों को दिखा देते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे थे और ये लोग जस्ट अभी आ गए, किचन का वो जो नहीं है मैंने आपको दिखाया था ना कि लकड़ी वगैरह पूरा खराब हो गया है तो वो सब ठीक करने आए हैं, तो अभी मैं नहीं जाऊंगी, अनिमेश जाएंगे दोनों को लेके। ये सभी चेंज होगा इधर, ये ना पूरा यहाँ से खराब हो गया था तो चेंज होगा तो पूरा ही होगा ना, इसमें पूरे कॉकरोचेस निकलते थे जाते थे, पूरे घर में हो गया था इसकी वजह से। मम्मी इधर अब तो मैं नहीं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, ये लोग जा रहे हैं, मैं भी जाने वाली थी तो अभी तो काम चल रहा है घर में। गुड आफ्टरनून गाइस, तो अयान और अनाया जो है वो अभी आए हुए हैं डॉक्टर के पास क्योंकि दोनों को कोल्ड कफ हो गई थी और मेडिसिंस भी एंड मेडिसिंस भी दोनों के ख़त्म हो चुके हैं कोल्ड कफ से रिलेटेड, तो इसीलिए अभी इनकी चेकअप होनी ज़रूरी है और ये लोग इंडिया भी जा रहे हैं गर्मी छुट्टियों में। What are you doing, Anaya? तो दोनों बच्चों को डॉक्टर ने देख लिया है, दोनों को सीजनल कोल्ड एंड कफ है उसके लिए मेडिसिंस दी गई है, और चूंकि ये लोग अभी इंडिया भी जा रहे हैं तो मेडिसिंस ख़त्म भी हो गई थी तो मेडिसिंस लेनी थी इनकी जो बेसिक कोल्ड कफ की मेडिसिंस है वो। ये लोग जब भी यहाँ आते हैं तो वेंडिंग मशीन से कुछ ना कुछ ज़रूर लेते हैं, अभी हम लोग क्यू में हैं मेडिसिंस लेने के लिए, तो मेडिसिंस अप्रूवल पेंडिंग है तो उसी का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। तब तक बच्चे जो हैं वेंडिंग मशीन से 1 दिरहम की एक छोटी सी स्नैक्स की पैकेट एंजॉय कर रहे हैं, राइट? डू यू लाइक दैट अनाया? व्हाट इज दैट? You like it also? It's a super ring. I like this one. I like this hospital's this. I don't like day-to-day this. Because that is very smelling and this is not smelling. Okay, so that one is very smelly. Yeah. This one is not smelling. Smelling. It's good. You also like it, right? I don't like all this. I don't prefer to you eat this. You like roti bindi? Roti bindi? That's my favorite. Daddy.
But I'm not allowed to eat all these, no? इसीलिए I eat roti bindi. Who told you not, you're not allowed? Doctor uncle. Yes. But you should avoid eating all these. These are not healthy stuffs, no? Only fruits. Yes, fruits, roti. Is it unhealthy? So, दोनों की सब कुछ मैंने गाड़ी पे रख दिया। दोनों वापस आ गए हैं और खेल रहे हैं। इन लोगों के साथ ये आपस में बैठ के खेलते रहते हैं। अभी छुट्टी भी चल रही है। ये आइस क्यूब है और ये एक लॉलीपॉप है। ये इसका बैग है। सब कुछ इस पर फिट सकता है। बहुत अच्छा गाड़ी है। सो गाइस, रात के 8 बज रहे हैं और हो गया काम। आज दिन भर हमारा किचन में आना जाना बंद, खाना पीना सब बंद। हमने बाहर से ही मंगा के खाया क्योंकि आ ही नहीं सकते थे किचन में। मतलब वो 11 बजे तक आ गए थे, तो उससे पहले जो हुआ हुआ, उसके बाद फिर हम लोग आ ही नहीं पाए। और वो लोग लगातार ही काम कर रहे थे, तो अच्छा भी नहीं लग रहा था ऐसे किचन में मतलब आना जाना या कुछ भी करना। तो हमने बाहर से खाना ऑर्डर किया। वैसे उन्होंने झाड़ू लगाया मतलब क्लीन कर गए, फिर भी ये देखिए लकड़ी वगैरह काटा ना तो पूरा वो गिरा है, जो गंदा गिरता है वो सब पूरा इस सब पे। बिना पोछा लगाए काम नहीं चलेगा। सामान वगैरह भी दीवार में से निकाल कर रखा। वैसे ये पूरा नहीं चेंज हुआ, ये सब पहले से जो था वही है। देखिए इसमें भी पूरा लकड़ी गिरा हुआ है। इसमें होल करके यहाँ देखिए ये पीच पे ना, ये बस पार्ट चेंज हुआ है, मतलब ये वाला बस पार्ट डाला है इधर से। ये सब पहले से ही है, जो जैसे था वो है। बस ये ऊपर का पार्ट ऐसे चेंज हुआ, जो अंदर में है वो है ही, वही ऊपर का पार्ट चेंज हुआ है क्योंकि ये सब खराब हो गया था। नीचे के पूरे खराब हो गए थे, तो सिर्फ उतना तो चेंज नहीं कर सकते थे ना, इसलिए पूरा ये सब बदलना पड़ा वो सब। The next morning. जा रहे हैं मीटिंग के लिए अबू धाबी। सो गाइज, आज है नेक्स्ट डे। निमेश तो गए मीटिंग में अबू धाबी और आद्रा नक्षत्र चढ़ा हुआ है जो कि सिर्फ 3-4 दिन और रहने वाला है। तो मम्मी जी का मैसेज आया था कि खीर पूड़ी और आम वगैरह जो आद्रा में चढ़ता है हमारे मिथिला में, तो वो भगवान जी के पास चढ़ा देना पूजा करके, तुम लोग भी खा लेना। उन्होंने वहाँ कर लिया है विधि। अनिमेश नहीं थे तो फिर सब लोग रहते तब तो बना के खाते ना, अभी वो आए हैं। फिर से हमारा भागा दौड़ी लगा ही हुआ है। अब 2-3 दिन बाद हम लोग चले जाएंगे, तब तक आद्रा भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आज ही बना दूँ। तो चने की दाल को उबालूंगी, फिर इसका यही मसाला वगैरह डाल के भून के पराठे बनाऊंगी, मतलब पूड़ियाँ तलूंगी, इधर खीर, फिर सब्जी बनाऊंगी। और आम है नहीं, अनिमेश आएंगे तो आम शाम में लेके आएंगे। तो ये सब अभी कर लेते हैं, फिर भगवान जी के पास पूजा करके फिर प्रसाद खाएंगे आद्रा का। तो हल्दी नमक डाल दिया है, अब सीटी लगा लूंगी ताकि दाल अच्छे से पक जाए। मटर आलू की सब्जी बनाऊंगी, दाल में भी सीटी लग गई है। थोड़ा थोड़ा ये बना रही हूँ, थोड़ी सब्जी, पूड़ियाँ भी थोड़ी बनाऊंगी, खीर भी थोड़ी बनाऊंगी। अभी मैंने उधर चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि बस पूजा के लिए बनाना है और फिर वही सब प्रसाद खाएंगे। सब्जी इधर बन रही है, खीर इधर बन रही है। मैंने बोला ना थोड़ा ही बनाया है, खीर भी जो खाएंगे नवनिया ही खाएंगे, इसलिए थोड़ा ही बना रही हूँ। और इधर दाल है जो उबल गई है, तो ये सब बन जाए उसके बाद फिर पीसूंगी इसको। तेल में मैंने वही जीरा, हींग, हरी मिर्च वगैरह डाल के ये दाल को डाल के भूना है। लाल मिर्च पाउडर डाला है इसमें, नमक डाला है, भुनी हुई जीरा का पाउडर डाला है। तो अदरक लहसुन भी डालते हैं कुछ लोग सिर्फ अदरक डालते हैं, तो मैंने थोड़ा सा अदरक का पेस्ट भी डाला है इसमें। इसको भून लूँगी, अगर थोड़ा भी पानी है तो वो सूख जाए, उतना देर तक भूनना है। दाल भून गई है, फ्लेम बंद कर देती हूँ और इसको ठंडा होने देती हूँ, फिर इसका पेस्ट बनाना है। दाल ठंडी हो गई है, ब्लेंडर जार में डाल के इसका पेस्ट बना देंगे। पानी नहीं ऐड करेंगे बिल्कुल भी, ऐसे ही इसको दरदरा सा पीस लेंगे। इसको दरदरा ही पीसना होता है। तो अब मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। इस तरह से इसको बना लेते हैं ऐसा, ताकि दाल की स्टफिंग कर पाएँ इसमें। एक दो दाल ना ऐसे साबुत भी दाल रहते हैं इसमें, पूरा नहीं पिसा जाता है, दरदरा रहता है ये। मुंह बंद कर देंगे इसका। सूखा आटा लगा के इसको बेल लेंगे।
दाल की पूड़ी ऐसे ही बनती है, इसको फ्राई कर लेंगे। अब पूड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। पूड़ियाँ सारी मैंने तल ली हैं और दाल भी इतना बच गया। एक्चुअली आटा कम गूंदा था, दाल ज़्यादा है, तो कल इसकी पूड़ियाँ बना लूँगी। ज़्यादा पूड़ी नहीं बनानी है अभी। अनिमेश अभी तक नहीं आए हैं तो वो तो अभी आएंगे तो वो एक ही पूड़ी खाएंगे, मैं एक, बाकी प्रसाद जो चढ़ेगा वो नवनिया खाएंगे। सो पूजा की तैयारी हो गई है। आद्रा का जो प्रसाद बनाते हैं, दाल भरी हुई पूड़ी, सब्जी, खीर और आम, तो भगवान जी के पास भी चढ़ाते हैं, फिर हम लोग खाएंगे प्रसाद। आद्रा नक्षत्र जब चढ़ता है तो मतलब जब चढ़ता है तब से लेके उतरने तक किसी भी दिन हमारे घर पे ये पूड़ी, सब्जी, खीर, आम वगैरह मतलब खाया जाता है। मुझे पता था कि करना है, लेकिन ये था कि अनिमेश भी नहीं है, फिर आते तो फिर आने के बाद ये भागा भागी सब हो गया था, इधर जाओ उधर जाओ, फिर जाना भी है, अभी सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि आद्रा ख़त्म कब होने वाला, तो उनका जब मैसेज आया तो उन्होंने बोला था 3-4 दिन और है तब कर लेने के लिए, तो आज मैंने कर लिया, ये भगवान जी के पास चढ़ा दिया। अभी मैं पूजा करूँगी और भगवान जी को भोग चढ़ाऊँगी, फिर हम लोग प्रसाद खाएँगे। और अनिमेश अभी जस्ट आए हैं इतने लेट से। हेलो गाइस, तो अभी आपसे मिल रही हूँ। ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था कब, संडे को, जब हम लोग आउटलेट मॉल गए थे। संडे गए, मंडे गए, ट्यूसडे को वही पूरा किचन का काम हो रहा था, पूरा दिन हमारा उसी में चला गया। और आज आपसे मिल रही हूँ मैं वेंसडे को। रूम मेरा, रूम की हालत मैं आपको क्या दिखाऊं, पूरा सामान बिखरा पड़ा है, मेरी पैकिंग हुई नहीं है अभी तक, जाने में सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं और अभी तक मेरी कुछ पैकिंग नहीं हुई है। हम लोग यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली में हम लोग 4-5 दिन रुक के फिर हमारे होम टाउन जाएंगे, तो यहाँ से तो हम 30 kg पर पर्सन ले जा सकते हैं। वहां से जो हमारी फ्लाइट है डोमेस्टिक में, हमारा 15 kg ही अलाउड है और एक एक खाली बैग ही 4-4.5 kg का होता है, तो सोच लीजिए 16-17 kg तो खाली बैग का ही वेट हो गया, तो हमें 60 kg अलाउड है और उस पर क्या ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे कुछ नहीं पता, तो उस हिसाब से कपड़े ले जाने पड़ेंगे कि हमें एक्स्ट्रा नहीं पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों एक्स्ट्रा पे करने का जब सब कुछ वहां मिलता ही है। तो इस बार मैं किसी के लिए कुछ भी खरीद के नहीं ले जा रही हूँ, जो मतलब क्योंकि हम एक फंक्शन में जा रहे हैं, तो जो भी चीज मैंने शॉपिंग की है वो भी इतना हेवी नहीं है, और जो भी है वो मैं दिल्ली में ही छोड़ूंगी, मतलब जिनके लिए भी दिल्ली में ही दे दूंगी, वो थोड़ा बहुत सामान है मेरे होम टाउन में जिसके लिए भी खरीदना होगा वो मैं वहीं पे खरीद के दे दूंगी, वहां पे सब कुछ मिलता है। और अभी तक मैं इतनी बार जा चुकी हूँ तो जितनी बार भी जाती थी तो मैं यहीं से खरीद के लेके जाती थी सबके लिए, बट अभी तो मेरे साथ मजबूरी है कि मैं यहाँ से नहीं खरीद सकती हूँ। दिल्ली जो जा रहे हैं तो वो भी कपड़ा हमारा हेवी है, क्योंकि जो भी लहंगा वगैरह है या जो भी हल्दी का, मेहंदी का, सब मैं कैन कैन वगैरह ले, सब फूला फूला हुआ है, तो वो भी एक चीज है, वो भी वहां से कैरी करके फिर तो होम टाउन ले ही जाना है। तो वही है कि 60 kg के अंदर सामान होना चाहिए, जिसमें से मुझे लगता है कि 20 kg के करीब तो खाली बैग का ही होता है, 40 kg रखिए सामान हम ले जा सकते हैं, तो वो है। अनिमेश तरह से भी बोलते सामान कम करो, सामान कम करो, तो सामान कम ही जाएगा इस बार। हम लोग आउटलेट मॉल गए थे तो जो सामान मैंने लिया, मैंने आपको बाहर से दिखाया, वो मैं आपको दिल्ली जाके दिखा दूंगी। मैंने अपने लिए भी एक हैंड बैग लिया छोटा सा, वो भी मैं आपको वहीं दिल्ली में ही दिखा दूंगी। और ये नवनिया के लिए परफ्यूम लिया था, वहाँ पे गए तो परफ्यूम वगैरह भी हमने लिया, तो उसी स्टोर से ये लिया नवनिया के लिए। और मैंने अपने लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी मंगाया जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, कुछ सामान मैंने मंगाया था तो ये आ गया, मैं आपको दिखा रही थी। ये शीन से मैंने मेकअप ब्रश का सेट मंगाया था, ये ऑफर में थे और अभी इसका दाम डबल हो गया है पूरा, ये बहुत सारे ब्रशेज में पूरा सेट है इसका, ब्रश का ये और ये इसके साथ मेकअप स्पंज वगैरह, बहुत सारा सामान है इसके साथ, छोटे छोटे स्पंजेस हैं और भी कुछ है, तो ये मंगाया था। एक मैंने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी आजकल इंटरनेट पे, तो वो मंगाया, तो सब डैंड्रफ अगर आपको है तो वो हटता है,
दूसरा है कि बहुत बार अपने बाल धोते हो, कंडीशनर लगाते धोते हो, लेकिन कुछ कुछ ना वो प्रोडक्ट रह जाता है, तो प्रोडक्ट बिल्डअप जब होता है तो व्हाइट व्हाइट आपको फ्लेक्स दिखेंगे अपने स्कैल्प पे, जिसके कारण ना बालों की ग्रोथ सही से हो नहीं पाती, हेयर फॉल होता है बालों में, जितना सही मतलब उसके कारण बालों की ग्रोथ रुक जाती है, स्कैल्प पे ग्रोथ जमा हो जाते हैं, तो इसमें ना ऐसे होल बने हुए हैं, पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं, तो उससे ना वो मतलब ऐसे ऐसे करो तो वो निकलते हैं और इसको यहाँ से ऐसे ऐसे प्रेस करोगे बाहर आएंगे। मैंने किया है बट मुझे पता नहीं इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लग रही है, 6 दिराम की मिल रही है बट मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं लग रही है, और जितनी बार मैं करती हूँ बाल साफ भी रहे, धो के भी आओ ना बाल तो भी निकलता है, तो वो हो सकता है प्रोडक्ट बिल्डअप हो, क्योंकि उस टाइम में तुरंत में तो डैंड्रफ नहीं निकलेगा, बाल अच्छे से क्लीन करके आओ तो प्रोडक्ट बिल्डअप होता है बालों में, सबके होता है, थोड़ा बहुत तो प्रोडक्ट रह ही जाता है जो बाद में व्हाइट 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 करके होता है। ऐसे मैं अगर इसको निकालती हूँ और ऐसे टिश्यू पे निकालती हूँ तो निकलता है, मैं आपको करके दिखाऊंगी तो कैमरे पे आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, हालांकि मेरे मुझे बाल धोए अभी 3-4 दिन से ऊपर हो गया तो बाल गंदा भी है, क्लोजली दिखाऊंगी तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा इसलिए नहीं दिखा रही, बट हाँ निकलता है थोड़ा बहुत, बट बहुत नहीं निकलता, मैंने वीडियो में देखा कि जितनी बार निकाल रहे बहुत क्लीन हेयर पे तो भी निकल रहा है, इतना नहीं निकलता है, होल्स ऐसे बने हुए हैं, ऐसे बालों में कॉम कर लो फिर इसको ऐसे ऐसे प्रेस करो तो यहाँ से ये देखिए यहाँ से ऐसे व्हाइट व्हाइट निकलेगा, जो भी प्रोडक्ट बिल्डअप है या डैंड्रफ है वो। कॉम मैंने मंगाया क्योंकि मैंने बहुत वीडियोस देखे थे इसके, इसीलिए मैंने मंगाया, ठीक ही है काम कर रहा, मैंने तो जितनी बार निकाला निकल ही रहा है कुछ ना कुछ व्हाइट व्हाइट, बट वही क्वालिटी नहीं अच्छी नहीं है, बट 6 दिराम के हिसाब से ठीक है। यही शॉपिंग और बाकी जो इस वीडियो में जो भी शॉपिंग हुई है वो आपको दिल्ली में जाके दिखाती हूँ, और भी कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदा मैंने अपने लिए, शादी में जा रही हूँ तो थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें अपडेट करने की जरूरत थी वैनिटी में, तो वो सब खरीदा, वो सब भी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। तो चलिए फिर गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मेरी आंखों से लग ही रहा होगा बहुत टायर्ड हूँ, तो थोड़ा बहुत अभी पैकिंग करूँगी फिर सोने जाऊँगी, हो गया आद्रा भी मन गया, मम्मी जी ने बोला था तो वो बनाना भी जरूरी था घर पे, तो चलिए फिर गाइस आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।